क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं और दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अगर आप नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके खुशी खुशी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोरावर लाइफ टाइम के बारे में। इस टाइम को लेकर एक इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ये टैंक रोल आउट हो चुका है और लगभग 100 घंटे की टेस्टिंग भी इसके ऊपर की जा चुकी है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से अप्रैल में ये टैंक इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा, जिसके बाद इंडियन आर्मी इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू कर देगी। देखिए जब भी हम जोरावर लाइट टैंक के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ डिटेल्स को मिस कर देते हैं आम लोग, लेकिन चाइना के साथ में जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद इंडियन आर्मी में कहा गया था कि उनको लाइट टैंक की आवश्यकता है, और लाइट टैंक को लेकर अप्रैल 2021 में प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। शुरुआत में भारतीय सेना की तरफ से ये बता जा रहा था कि लगभग 350 टैंक्स वो एक्वायर करेंगे और ये परचेज की जाएगी बैचेस में। भारत में जितनी कंपनीज टैंक बना सकती है ना, उन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया था और प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसा भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यानी मेक इन इंडिया की मेक वन कैटेगरी के तहत यहाँ पर टैंक बनाए जाएंगे। बाद में जब बात आई आरएफ की स्टेजेस पे, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की तरफ से अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ वे अपने टैंक्स ऑफर किए गए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भारत सरकार की तरफ से डीआरडीओ को अश्योर किया गया कि उनकी तरफ से जो टैंक्स बनाए जाएंगे उसकी कम से कम 59 यूनिट्स एक्वायर किए जाएंगे, और बची हुई 295 की रिक्वायरमेंट को लेकर डीआरडीओ अपनी इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर दूसरे वेंडर्स के साथ में कम्पीट कर सकते हैं। देखिए जोरावर लाइट टैंक डीआरडी का डिजाइन है जो कि एलएनटी बना रही है। इसके अलावा एलएनटी यहाँ पर के नाइट थंडर का बेस यूज करते हुए लाइट टैंक का हल बनाने वाला है, और इसके साथ में जॉन कॉकरेल की टरेट मेट करके अपना खुद का लाइट टैंक प्रेजेंट करने वाला है। हालांकि टाटा और महिंद्रा की तरफ से कुछ सामने नहीं आया है, और ये बिलीव किया जा रहा है कि जैसे कि टाटा कैसल के केस में मल्टीपल वेंडर्स अपने अपने आइट्रेशन लेकर डीआरडीओ के डिजाइन को यूज कर रहे हैं, कुछ वैसा भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, वो है प्रोटोटाइप में लगने वाला समय। प्रोसेस शुरू हुआ था अप्रैल 2021 में और हम लोग जनवरी 2023 में है दोस्तों, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रोटोटाइप रोल आउट हो चुका है और इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा घंटे की टेस्टिंग भी हो चुकी है। यानी कि नेचुरली ये प्रोटोटाइप थोड़ा और पहले बना हुआ था, और अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम ले तो 2 साल से भी कम के समय में प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये प्रोटोटाइप अमेरिकन कमिंस के इंजन से पार किया जाएगा, और इसके अंदर वैसे इनिशियल प्लान के हिसाब से जर्मन कंपनी एमटीओ का इंजन यहाँ पर यूज होना था और रेने का ट्रांसमिशन यूज किया जाना था, लेकिन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बीच में ही इंजन चेंज होना, ट्रांसमिशन चेंज होना और फिर भी टाइमलाइंस को मीट करना, ये दिखाता है कि इस मेजोरिटी के साथ में डीआरडीओ और एलएनटी ने इस प्रोग्राम को हैंडल किया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इस टैंक में जॉन कॉकरेल के टेरेट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन पर्सनली दोस्तों हम देखना चाहेंगे कि जब वो सामने आएगा तब कैसा होगा। लेकिन अल्टीमेटली एलएनटी की तरफ से प्रोडक्शन वेरिएंट रोल आउट किए जाएंगे तो उसमें कम से कम 50% इंडिजीनियस कंपोनेंट होने चाहिए, यानी इनमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जाएंगे, और प्रोबेबली समय के साथ में इनके अंदर जाने वाला कंपोनेंट और ज़्यादा इंडिजीनियस होता चला जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर इंडियन आर्मी की टोटल रिक्वायरमेंट की बात करें ना, तो 354 टैंक्स की है दोस्तों, और अगर 59 टैंक्स डीआरडी और एलएनटी को कमिट कर दिए हैं तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट केवल 295 टैंक्स की ही बच जाएगी। ऐसे में जो बाकी कंपनीज हैं उनकी फॉरेन की जो डिज़ाइन है इंडिया में बनाकर एलएनटी जितनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देना मुश्किल होगा उनके लिए, और इसके अलावा लॉजिस्टिक वाला एंगल भी आता है दोस्तों। और उसके बावजूद 6 से 7 इंडियन कंपनीज अपने फॉरेन ओएम पार्टनर के साथ मिलकर यहाँ पर कॉम्पीट करने वाली हैं, यानी आने वाले समय में भारत में बहुत सारी कंपनीज टैंक बनाने में सक्षम होंगी। और अगर आज देश में एक अर्जुन प्रोग्राम के साथ में इस तरीके का इकोसिस्टम बना हुआ है, तो इमेजिन करो कि आगे चलकर क्या स्थिति होगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में तय रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो कि हमें पता है आपको लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दें दोस्तों, 1000 लाइक्स का एम करते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लेके हमारे सैनिकों को सपोर्ट कीजिए। और साथ ही ये वीडियो जो हम बनाते हैं दोस्तों हमारे सैनिकों के बारे में, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस के बारे में, इसलिए बनाते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को हमारे आर्मी, हमारे जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, उनके बारे में सारी अपडेट आपको मिले, और हर व्यक्ति को मालूम हो कि जो हम अपने देश में कंबल में बैठे हैं सर्दी में आग जला के हीटर में, तो दोस्तों कितना कठिन है। हमारे सरहद पे जो हमारे सैनिक उनको सल्यूट है दोस्तों, वो कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम उनके ऊपर ऐसी ही और वीडियोज रोज लाते रहें और उन्हें सपोर्ट करें।
दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाइए दोस्तों, व्हाट्सएप की अपनी स्टोरी पे लगाइए, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।